दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी और अनुशासन के मामले में दुनिया के बाकी देशों से अलग है। जापान में कई ऐसी चीजें हैं जो उसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है, और आज मैं आपको जापान की पांच ऐसी बातों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे जापान को पूरी दुनिया में अलग निगाहों से देखा जाता है। तो मैं हूँ आपका दोस्त दक्ष और आप देख रहे हैं अमेजिंग टॉप 5। फ्लोर्स। दोस्तों, जैसे हमारे भारत में किसी भी बिल्डिंग में जाते समय हमारी शुरुआत ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर से होती है, तो वहीं जापान में ग्राउंड फ्लोर नहीं गिना जाता। जापान में ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर से गिना जाता है और उसी के बाद आगे की गिनती चालू होती है। जो भारतीय भारत से जापान जाते हैं उन्हें इस चीज को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जापान में रहने के साथ साथ आप यह सब चीजें सीख जाते हैं। एस्केलेटर। दोस्तों, भारत या किसी भी देश में लोग एस्केलेटर पर एक साथ या जैसे मर्जी चढ़ जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में अगर आप टोक्यो सिटी में एस्केलेटर इस्तेमाल करते हैं तो आप लेफ्ट साइड पर खड़े होते हैं और जो ज्यादा जल्दी में होते हैं वह राइट साइड से चढ़कर जल्दी ऊपर चले जाते हैं। और वहीं जापान की दूसरी सिटी ओसाका में अगर आप एस्केलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप राइट साइड में खड़े होते हैं और जो लोग जल्दी में होते हैं वो लेफ्ट साइड से चले जाते हैं। अगर आप इस रूल को जापान में फॉलो नहीं करते तो लोग आपको अनुशासनहीन समझने लगते हैं और ऐसा मानते हैं कि आपको जापान के बेसिक रूल भी नहीं पता है। टिप। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप किसी वेटर को टिप देते हैं तो वेटर खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और लगभग दुनिया के हर रेस्टोरेंट में ऐसा होता है, लेकिन जापान में किसी भी व्यक्ति को टिप देना बुरा समझा जाता है। जापान के लोग ऐसा मानते हैं कि टिप देने से आप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। अगर आप किसी बार्बर को भी जापान में टिप देते हैं तो वह लेने से मना कर देते हैं या फिर आपको वापस आपके पैसे लौटा देते हैं। तो इसीलिए अगर आप जापान जाते हैं तो वहां ऐसी गलती ना करें। लैंग्वेज। दोस्तों, आज भारत में लोग अपनी भाषा को भूलकर इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पाते या फिर बोलने में हिचकिचाते हैं तो लोग आपको अनपढ़ समझने लगते हैं, लेकिन जापान में ये जरूरी नहीं है कि आप जापानीज के अलावा कोई और भाषा भी सीखें, और वहाँ सभी जगहों पर जापानीज ही बोली जाती है, लेकिन सभी जगहों के एसेंट अलग अलग हैं, तो इसीलिए जापान में लोग अपनी ही भाषा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जापानीज में ही मैक्सिमम लेवल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी चीजों को अपनाओ, क्योंकि दिखावे पर तो दुनिया मरती है। ऑनसेन। दोस्तों, इससे पहले भी हम आपको एक वीडियो में जापान की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता चुके हैं जहां आपको बिना कपड़ों के जाना पड़ता है, तो इसीलिए अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जापान के हर होटल में ऑनसेन बने होते हैं जो छोटे छोटे बाथटब होते हैं। इन बाथटब में एक बार में 10 से 15 लोग बिना कपड़ों के घुस जाते हैं। यहाँ पर आप अंडरवियर भी नहीं पहन सकते और यही नियम लागू होता है जापान की जिम में। जापान की जिम में जो लॉकर रूम बने होते हैं वहाँ भी आप कपड़े नहीं पहन सकते, वहाँ भी आपको बिना कपड़ों के ही नंगे घूमना होता है। तो यह एक और बड़ा अंतर है जापान और बाकी देशों में। क्या आप भी बिना कपड़ों के किसी ऐसे जगह पर घूम सकते हैं? कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी अमेजिंग टॉप 5 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।